नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, चकाचक होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की। तो 2021 में एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है, तो सब कुछ आसान भाषा में आज मैं आपको समझाऊंगा कि एसएससी जीडी होता क्या है, इससे आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसा पेपर आता है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या काम करना है जिससे आपका सिलेक्शन संभव होगा। तो आइए हम लोग दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि जो एसएससी है, एसएससी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक संस्था होती है। इस एस का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना, वो एक संस्था है, वो एक पेपर करवाती है, पेपर कंडक्ट करवाती है। बहुत सारे पेपर होते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, ऐसे ही एसएससी जीडी होता है। तो जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। दोस्तों सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, वाटर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, इससे आप समझ जाओगे। वैसे तो और भी उसमें आपको बताना पड़ेगा, पर बीएसएफ से आप लोग जनरल समझो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब आपको बॉर्डर पर सिक्योरिटी देना पड़ती है। आप देश के लिए काम करते हो, आप देश की रक्षा में आप अपना तन मन धन नौछावर करोगे। ये बहुत बड़ी जॉब है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है आज के जमाने में। तो एसएससी जीडी से आप लोग देश की सेवा में तत्पर हो सकते हो। तो और आगे हम लोग डिटेल में समझते हैं कि कैसा पेपर होगा और इसका क्या पैटर्न होता है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग पैटर्न की बात करें, तो आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि इसमें सर चार सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? चार सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश में लिखा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको तर्क शक्ति, क्या पूछा जाता है? तर्क शक्ति बोले तो रीजनिंग, इतना आप लोग सब समझते हो। यहाँ पे जीके जनरल नॉलेज पूछा जाता है। यहाँ पर आपका गणित एप्टीट्यूड की बात करें, और ये सब्जेक्ट है आपका। देखो दो लैंग्वेज होती है दोस्तों, यहाँ पे दो लैंग्वेज होती है, एक है आपकी हिंदी और एक इंग्लिश। आप दोनों में से कोई सी भी चूज कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश चूज करना, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हिंदी आप चूज कर सकते हो। चारों 25-25 क्वेश्चन आते हैं, चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 25 × 100, तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। आपको इसमें 80 प्लस मार्क्स लाके अपनी रैंक सिक्योर कर लेना है, आप बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 80 प्लस नंबर आते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अभी आप लोग समझ गए भैया, चार पेपर होते हैं, रीजनिंग का होता है, मैथ का होता है, जीके का होता है, और दो लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से आपको ने जो चूज करी होगी फिल फॉर्म भरते समय उसका होगा। चलिए भाई, तो यहाँ पे आप लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि भाई जो मेल की लंबाई होती है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, 170 सेंटीमीटर मेल होंगे, और जो फीमेल होगी उसकी 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और शरीर की सीने की बात करें, जो चेस्ट होता है एक्सपांडेड होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और जब आपसे फुलाया जाए तो आपको 5 सेंटीमीटर तक फुलाना है। ये सिर्फ मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। इसके बाद वेट की बात करें दोस्तों, ये वेट होता है, वेट आप लोग देख लीजिए। वेट का मतलब है आपकी जो हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग इतना वेट होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो आई थिंक आपकी हाइट है तो आपका वेट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आगे काम में आएगा, आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। सबसे बड़ा मुद्दा है कि पैसा कितना मिलना चाहिए। यार एग्जाम तो हम दे देंगे, निकाल भी लेंगे, ये बताइए पैसा कितना मिलेगा आपको। पैसा मिलेगा, आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 25,896 रुपये, और इसमें से आपको 2370 या 2369 रुपये काट लिए जाएंगे, आपके पेंशन के काम में आएंगे। आगे आपको दूसरे फॉर्म में आपको चीजें दी जाएंगी, ठीक है, ये आपको मिलता रहेगा। नीचे आप लोग देखिए, यहाँ पर कट पिट के आपको 23,527 रुपये मिलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, आपने जब टेस्ट निकाल लोगे इसके बाद आपकी क्या होगी, रेस होगी, रनिंग होगी। तो रनिंग में आप लोग देखो भाई, लड़के जो हैं अगर मेरे शेर हैं तो उनके लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर 24 मिनट में, बहुत सिंपल बात है। और लड़कियों को शेरनियों के लिए 1.6 किलोमीटर सिर्फ 8.5 मिनट में कवर करना है, ये भी सिंपल सी बात है। अगर आप लोग लद्दाख के नहीं हो, अगर कोई यहाँ पर लद्दाख का मेरा भाई बंधु देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूँ, उसके लिए रिलैक्सेशन है, उसको कम दौड़ना है। लड़का है तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, और 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है अगर गर्ल्स है। तो आई थिंक ये आप लोग कर लोगे। पहले तो आपको टेस्ट निकालना है, फटाफट अच्छे नंबर लेके आना। फिर बात करेंगे दोस्तों कौन सी किताबों से पढ़ें, ये बहुत अक्सर सवाल होता है। तो एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो बुक की बात करें, देखो जनरल नॉलेज की बात करें तो आप लोग लूसेंट की बुक है, ये बुक ले लेना, लूसेंट की बुक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जनरल नॉलेज में, एक आप स्पीडी भी ले लेना, स्पीडी आपकी करंट अफेयर के लिए काम में आएगी स्पीडी, ठीक है। स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ेंगे, लूसेंट से हम लोग जनरल नॉलेज स्टार्ट कर लेंगे। आप मेरे को इसको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब कुछ आता है एक ही बुक में, वो वाली बुक ले लेना है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले सब्जेक्ट की, मैथ्स की बात करें, देखो मैथ्स की बहुत सारी बुक है पर हमारे पास समय कम है, एक डेढ़ दो महीने हैं, तो एक ऐसी बुक लेते हैं जो आगे भी हमारे काम में आएगी, आर एस अग्रवाल, ठीक है। आर एस अग्रवाल एक बुक आती है, वो आप बुक लीजिए, वो बढ़िया बुक है, उसके क्वेश्चन लगाइए आप बढ़िया तरीके से, ठीक है। और भी बहुत जैसे किरण पब्लिकेशन की है, राकेश यादव सर की भी है, मगर इतना नहीं, हम तो भैया आर एस अग्रवाल लगाएंगे। और सर मैथ्स में अगर और भी दिक्कत आती तो दोस्तों हम आपके लिए बैठे हैं ना, टेलीग्राम हमारा ग्रुप है AS Academy Champs के नाम पर, वहां पर हम लोग मैथ्स के सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं SSCGD के सबके PDF कंटेंट डालते हैं, प्रॉपर नोट्स हैं बाकायदा, आपको बिल्कुल SSCGD के लिए गाइडेंस सब कुछ आपको AS Academy Champs टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा एक भाई ऐप भी है, प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर लिखोगे AS Academy विदिशा, लिखना मत भूलना AS Academy विदिशा, जब लिखोगे तो पहले नंबर पे जो ऐप आएगा उसे डाउनलोड कर लेना, उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाके आप लोग देखना, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बुक वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वहां पर भाई कुछ बेच कोड भी रहता है, वो आपको बेच के लिए थोड़े से पैसा खर्च करना पड़ता है भैया, फ्री में मिलता तो है पर थोड़ा अच्छा चाहिए, एडवांस चाहिए, आपके अकॉर्डिंग चाहिए, आप जैसा पढ़ना चाहते हो, जिस मास्टर से पढ़ना चाहते हो अगर वैसा आपको करना है तो थोड़ा सा भी मिनिमम गुरु दक्षिणा तो लगेगी ना भाई, तो अगर वो गुरु दक्षिणा देके आप वेज कोर्ट में ज्वाइन कर लोगे तो वेज में जाकर आप लोगों को क्या मिलेगा, वहां पर आप लोगों को SSCGD का बहुत ही शानदार कंटेंट मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी देर ना करें, प्ले स्टोर पर जाकर AS Academy ऐप डाउनलोड करें, चेक करने में क्या जाता है, एक बार चेक तो करें, नहीं मिलेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके देख लेना। फिर बात करें अगर हम लोग रीजनिंग की, भाई रीजनिंग की बहुत सारी बुक आती हैं पर कम समय में हम लोग आपको एक ऐसी बुक बताएंगे जिस बुक से आपका क्या होगा, भला होगा, आगे भी काम में आएगी, परफेक्ट की आप रीजनिंग की बुक लेंगे जो बढ़िया है, सिंपल लैंग्वेज है भाई। देखो आप SSCGD 10th क्लास पास करोगे या 12th होगे या ग्रेजुएशन भी होगे, पर एक नॉर्मल बच्चा भी यार समझ जाए, ऐसी बुक होना चाहिए, समझने आना चाहिए, तो परफेक्ट की बुक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप समझ सकते हो, तो ये बुक ले लेना। फिर इंग्लिश की बात करें, देखो इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं तो लूसेंट बोलूंगा, इतनी मोटी है, दिक्कत आती है यार। एक मैडम है नीतू मैम, ठीक है, नीतू सिंह जो मैम है KD कैंपस की, बढ़िया इंग्लिश पढ़ाती है, शानदार लेडी है, उनने एक बुक निकाली है, आप उनकी बुक ले सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, देखो मैं समझाता हूँ आपको, एक स्पीडी जो मैंने आपको करंट अफेयर के लिए बताई ना, वो स्पीडी है, पतली सी बुक है, शानदार है, आप फटाफट पढ़ के काम चला सकते हो, इंग्लिश आपका 25 नंबर में से भाई 20 नंबर प्लस आ जाएगा, उसको लेके पढ़ डालिए। और भाई अगर हम लोग बात करें हिंदी की, भाई हिंदी तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, पर ये हिंदी लिखा है आपको हिंदी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हिंदी, तो हिंदी क्या होगा, आप लोग लूसेंट से पढ़ लेना काफ़ी है, नहीं तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर, यूट्यूब पे भी बहुत सारे हिंदी के लेक्चर डले हुए हैं, और नहीं तो आप लोग इसके लिए कोई भी अच्छा यूट्यूबर जो हिंदी पढ़ाता है आपके हिसाब से, अगर हमारे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना हमारा ऐप, वहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, ये तो SSCGD, अगर आप कोई सी भी एग्जाम निकालना चाहते हो, चार चीज अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन से। सबसे पहले होता है आपका मार्गदर्शन, सबसे पहले जो होता है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का मतलब है गाइडेंस, आपको कुछ ऐसे लोग होना चाहिए जो पावरफुल हो, एनर्जेटिक हो और जिनका लक्ष्य हो आपका सिलेक्शन दिलाना, तो ऐसे लोगों को तलाशिए। दूसरे नंबर पे आप ऐसे मटेरियल से पढ़िए जो मटेरियल ऑथेंटिक हो, अकॉर्डिंग टू SSC हो, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। तीसरा है भैया पढ़ लिया तो टेस्ट लगाना मत भूलिए, टेस्ट सीरीज अच्छा होना चाहिए, मॉक टेस्ट होना चाहिए। ये मॉक टेस्ट क्या होता है, परीक्षा के पहले परीक्षा, परीक्षा जैसा माहौल, तो टेस्ट भी अच्छे होना चाहिए। इसके बाद भैया माहौल, आप जहाँ भी पढ़ते हो, आजकल ऑनलाइन में लोग घर पे पढ़ रहे हैं, तो घर पे भाई अच्छी जगह पढ़ोगे, एक अच्छी व्यवस्थित कमरे में आप पढ़ो, अकेले पढ़ो, या नहीं है तो कहीं सेपरेट जगह होना चाहिए, माहौल बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई में बिल्कुल मन लगना चाहिए, थोड़ा अगरबत्ती लगा के बिल्कुल ध्यान में, जैसे पढ़ाई करो तो ऐसे करो जैसे ध्यान में खो गए, तो ऐसी पढ़ाई करोगे अगर चार चीज़ आपके पास हैं और आपके अंदर लगन है, जुनून है, जोश है, जिससे आप लोग SSCGD क्लियर कर सकते हो आसानी से, तो ये चारों चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे आपको, मार्गदर्शन अच्छा देंगे, मटेरियल है हमारे पास, टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे मिलती है, और माहौल तो आपको पता ही है कि जहां नाम ही काफ़ी है ऐसे एकेडमी माहौल के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, आपने इतने प्यार से अटेंशन से आखिरी तक ये वीडियो देखा है तो उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा, नहीं लगा होता तो अब तक आप चले जाते। तो थैंक यू फॉर अटेंशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।